टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में क्वाड के सदस्यों देशों की बैठक से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध समेत भारत की ओर से गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से दुनिया के समक्ष गेहूं का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह तो रूस यूक्रेन युद्ध ही है, जिस कारण यूक्रेन दुनिया के तमाम देशों को गेहूं का निर्यात नहीं कर पा रहा है। उस पर भारत ने भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गेहूं के संकट का आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र तक को चेतावनी देनी पड़ी है कि यदि इसका समाधान नहीं निकला तो बेहद गंभीर हालात हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया के पास महज 10 सप्ताह का ही गेहूं बचा है, और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस पर खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन को गेहूं के निर्यात के कारण रोटी की टोकरी कहा जाता है। रूस से युद्ध के चलते यूरोप समेत दुनिया के तमाम देशों को गेहूं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन दुनिया को 1/4 गेहूं का निर्यात करते हैं। रूस तो गेहूं के निर्यात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन सप्लाई नहीं बेच पा रहा है। ऐसे में भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से स्थिति और बदतर हो रही है। यूरोप और अमेरिका में इस साल खराब मौसम से गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। एक रिपोर्ट बताती है कि गेहूं की सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया के सामने महज 70 दिन का गेहूं ही बचा है। वहीं खाद्यान्न की सप्लाई कई असाधारण चुनौतियों से जूझ रही है। इसमें उर्वरकों की कमी, जलवायु परिवर्तन और खाद्यान्न तेल तथा अनाज का रिकॉर्ड कम भंडार इसकी अहम वजह हैं। बिना तत्काल और आक्रामक वैश्विक प्रयास के इंसान असाधारण मानवीय त्रासदी और आर्थिक नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा संकट एक पीढ़ी में केवल एक ही बार आता है, और यह भू राजनीतिक दौर को नाटकीय तरीके से बदल रहा है। पश्चिमी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रूस गेहूं की सप्लाई चेन खास करके यूक्रेन के स्टॉक को नष्ट कर रहा है। यही वजह है कि जापान में क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पीएम मोदी से गेहूं के निर्यात पर लगी रोक को लेकर खास तौर पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।